Assalamu alaikum students, good morning. Please open your science book. We are going to do the long question answer of lesson number 1. That is all about understanding ourselves. As you guys know that we have already discussed all the topics in this lesson and we have done the question number 1. Unfortunately, I have your notebooks in my locker because of the sudden pandemic situation in the country. I can't return your notebooks to you, but for the meanwhile, please write down the question number 2 on your rough notebooks. So question number 2 is all about the brain. We have to write a note on a brain. What is a brain? Jise dimag kehte hain. I told you that we have 8 major functions. 8 major systems in our body. For example, we have a nervous system, we have a circulatory system, we have a respiratory system, we have a digestive system, we have an excretory system, we have a skeletal system, and we have a muscular system as well. So brain is the major organ of a nervous system. The brain is contained in and protected by the skull, bones of the head. Brain is contained in, brain maujood hota hai स्कल के अंदर. स्कल क्या है? हड्डियां हैं, ठीक है, उसमें महफूज होता है. दिमाग आपका खोपड़ी के अंदर महफूज होता है. ब्रेन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी. ब्रेन हमारी बॉडी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है. इट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज़ इन आर बॉडी. ये हमारे जिस्म में मौजूद तमाम तर एक्टिविटीज़ जो हैं, जो भी हमारी बॉडी काम कर रही है, उन सबको कंट्रोल कर रहा होता है. आर ब्रेन रिसीव्स डिफरेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ऑर्गन सच एज आइज, स्किन, ईयर्स एंड नोज. आर ब्रेन रिसीव्स, हमारा ब्रेन रिसीव करता है, हमारा ब्रेन हासिल करता है डिफरेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ऑल द ऑर्गन्स. आई टोल्ड यू दैट वी हैव सेंस ऑर्गन्स. बिकॉज ऑफ दी सेंस ऑर्गन्स वी कलेक्ट द डेटा फ्रॉम द सराउंडिंग्स एंड वी हैव सेंस ऑर्गन्स. फॉर एग्जाम्पल वी हैव आइज, ईयर्स, स्किन एंड नोज. सो ब्रेन रिसीव्स द डिफरेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सराउंडिंग्स बिकॉज ऑफ दीज ऑर्गन्स. द ब्रेन रीड दीज मैसेजेस एंड डिसाइड्स हाउ टू रिस्पॉन्ड. ये ब्रेन जो हमारा दिमाग है, फिर इन तमाम इन्फॉर्मेशन को जो हमें मैसेजेस, ब्रेन को मैसेजेस की सूरत में मौसूल होती हैं, फिर उनके ऊपर रिस्पॉन्ड करता है, फिर डिसाइड करता है कि क्या करना है, ठीक है. इट कमांड्स आर मसल्स व्हेन टू मूव. हमारे मसल्स को कमांड करता है कि कब मूव करना है. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वॉन्ट टू मूव, इफ़ यू वॉन्ट टू गो टू ड्रिंक वाटर, इट गिव्स इंस्ट्रक्शन टू द लेग्स दैट मूव. इट हेल्प अस इन लर्निंग, ये हमें सीखने में मदद देता है. इट कीप्स ऑन वॉकिंग इवन व्हेन वी आर असली, हमें सीखने में मदद देता है. इट कीप्स ऑन वॉकिंग इवन व्हेन वी आर असली, और ये तब भी काम कर रहा होता है जब हम सो रहे होते हैं. ओके, इफ़ यू हैव एन एम्बिग्विटी इन दिस क्वेश्चन, प्लीज़ टू आस्क क्वेश्चन. मीनवाइल प्लीज़ राइट डाउन दिस क्वेश्चन इन योर रफ नोटबुक. एज सून एज पॉसिबल आई विल रिटर्न योर नोटबुक्स टू यू. ओके, थैंक यू सो मच.